इंडिया में चखने की बात की जाए तो हरा मटर नमकीन हर किसी की पसंद होता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरा मटर नमकीन को फैक्ट्री लेवल पे बड़ी बड़ी ऑटो मशीन द्वारा कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हरा मटर नमकीन की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो 100 kg मटर देखो तो यहाँ पे आ चुका है। आज हमारी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मटर की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें रात में इसमें हमने मटर डाला था और उसमें पानी भर दिया था, तो बाद इसको मटर को सोक कर लिया गया था। अब इसे होपर में लिया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा बिल फ्रायर के पास पहुँच जाएगा। ये हमारा ना बैच फ्रायर है, मैश को भट्टी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और मटर को इसमें डाला जाता है। तो बाल्टी से देखो तो एक एक करके यहाँ पे मटर डाले जा रहे हैं। क्वांटिटी आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मटर को यहाँ पे फ्राई किया जाएगा। एकदम देखो स्पीड में कितने सारे यहाँ पे मटर डाले जा रहे हैं। तो भैया कितनी देर फ्राई करते हैं इसको? 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई होता है। एक बैच में हमारा 30 से 35 kg मटर फ्राई होता है। हमारे मटर यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और देखो तो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे मटर निकाल जा रहा है। भैया कितने किलो है इसमें? इसमें 30 से 35 kg मटर है हमारा, फ्राई हो चुका है मटर। 30 से 35 kg मटर यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ये मटर पूरा फ्राई हो चुका है। इसमें क्या है, हमारे मैस लगी हुई है, कुछ ऑयल तो हमने वहाँ डिजोल्व कर लिया। मैस से जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो नीचे चला जाएगा। तो मटर देखो थोड़े ठंडे हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसको बड़ी ट्रे में यहाँ पे डाला जा रहा है। ठंडा मटर करने के बाद, डीओइलिंग के बाद हम इसको इसमें ट्रोने में ले रहे हैं। तो सर एक बड़ी सी ट्रे में कितना मटर रहता है इसमें? इसमें 200 से 250 kg मटर रहता है। 200 से 250 kg। अब ये रेडी हो चुका है फोर मसाला लगाने के लिए। और 200 से 250 किलो मटर अच्छे से फ्राई होके आ चुके हैं। और ट्रे का आप साइज देखो कितना बड़ा है। और अब इसके यहाँ पे मसाला लगा के अच्छे से पैकिंग की जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, इसका बैच तैयार कर रहे हैं। 50 kg मटर तोलेंगे ये, इसमें 25-25 के दो बैच बनाएंगे 50 का। तो भी यहाँ पे वेट मेजर करके मटर को मसाले का मिक्स किया जाएगा। तो 25 kg का बैच यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो टोटल इसमें 50 kg की दो बाल्टी डलेगी। 25-25 के दो बकेट डालेगा वो। अभी एक बकेट डाल चुका है वो। तो टोटल हमारा 50 kg यहाँ पे मटर डल चुका है। अब इसमें डाला जाएगा मसाला। तो मटर का हमारा मसाला आ चुका है, इसको अच्छे से मेजर करके मटर के साथ मिक्स किया जाएगा। अब देखो ये 50 kg मटर में हमने अपना जितना हमारा डिजायर्ड मसाला है उतना वेट कर लिया था। अब मसाला उसमें डाल दिया मिक्सिंग के लिए। अब देखो धीरे 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 ये मसाला इसमें हम मिक्स कर रहे हैं और धीरे धीरे करके देखो तो मटर के साथ मसाला मिक्स किया जा रहा है। और कितना टाइम लगता है मसाले के मिक्स होने में इसको? 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक हमारा मसाला पूरा अच्छे से मैच हो जाता है। 50 kg मटर डाल के इसमें जितना हमने मसाला ऐड करना है उतना मसाला ऐड कर दिया है। इसको 2 या 3 मिनट तक अच्छे से घुमाते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसमें मैच कर जाए। तो मटर को मसाले के साथ अच्छे मिक्स कर लिया। अभी क्या करेंगे? अभी देखो इसने मशीन मिक्सर को अच्छे हल्के सा डाउन कर लिया है। अब इसको मटर को हम पीपी बैग में लेंगे। ये देखो ये लड़का मटर को 25 kg मटर निकालेगा और इस तरह पीपी बैग बना के रख लेगा। तो अभी क्या करेंगे सर? अभी ये ना मटर पैकिंग के लिए प्रिपेयर था, जैसे कि हमने पहले देखा 25 kg का। अभी ये मटर इस ऊपर में डालते हैं और इस ऊपर में कलेक्ट हो जाता है मटर और वो थोड़ा थोड़ा करके पैकिंग में भेजते हैं। देखना अभी ये लड़का आपको दिखाएगा। अभी इसने मटर भर दिया है इसमें ऊपर में। अभी इसको ऊपर का शूट खोलेगा और बकेट एलिवेटर से इसको पैकिंग तक पहुँचाएगा। तो ऑफर में हमारा मसाला मटर डल चुका है। अब धीरे धीरे इसके मटर यहाँ पे ट्रे में यहाँ पे डाले जा रहे हैं और अब इनकी यहाँ पे ऊपर जाके पैकिंग कर ली जाएगी। हाँ जी, अभी ये मटर बकेट एलिवेटर से पैकिंग में जा रहा है सर। तो देखो तो एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे एकदम एक्यूरेट वेट मेजर करके यहाँ पे हमारे मटर की पैकिंग की जा रही है। मसाला मटर जो कि काका जी के बहुत ही फेमस है और आप कलर देख सकते हो एकदम मसाला देख सकते हो अच्छे से इसमें मिक्स किया गया है। तो सर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी मटर पैकिंग स्टार्ट है हमारे यहाँ, मटर की पैकिंग चल रही है। तो कितने रुपये के पैकेट की पैकिंग हो रही है यहाँ पे? 5 से 10 रुपये के बीच में पैकिंग होती है, 5 वाली और 10 वाली हो रही है अभी मटर की। 5 और 10 रुपये के मटर की यहाँ पे पैकिंग चल रही है। तो हमारे कार्टन की यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको पैक कर दिया जाएगा। हमारा काका जी का फेमस मटर मसाला यहाँ पैक हो चुका है। अभी कार्टन का वेट करके यहाँ पे मशीन में ऊपर डाला जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मटर की प्रोडक्शन कैसे होती है। तो काका जी का ये ब्रांड है और मटर मस्तीस का नाम है। ज्यादातर ये यूज होता है चखने में, ज्यादातर बड़े लोग इसको यूज करते हैं। तो देखो ये है मटर और अच्छे से इसको मसालों के साथ मिक्स करके लगाया गया है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है एकदम मस्त मटर, इसके अंदर आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वांटिटी है और अच्छे से मसालों के साथ इसको लगाया गया है। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट करते हैं। तो मटर तो मैंने बहुत ही ब्रांड से खाए हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है। काफी टेस्टी है, काफी क्रिस्पी है और इसकी खास बात मुझे ये लगी कि इनका जो मसाला है मुझे काफी टेस्टी लगा, हल्का सा स्पाइसी है। तो अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो काका जी का ये ब्रांड है और 10 रुपए का ये मटर मस्ती है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अपने लोकल ब्रांड को सपोर्ट कीजिए, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट कीजिए। तो इस मटर मस्ती को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।